राजनामा दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में कुकी और मेती समुदाय के बीच हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स की 10 और कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। सीआरपीएफ की 5, बीएसएफ की 3, आईटीबीपी और एसएसबी की एक एक अतिरिक्त कंपनी तैनात करने का आदेश जारी किया गया। सरकार ने यह फैसला 3 अगस्त को भीड़ की तरफ से सेना के हथियार लूटने के बाद लिया। इस दिन भीड़ ने मोइरंग और नारंग सेना थाने पर हमला कर 685 हथियार और लगभग 20,000 से ज्यादा कारतूस लूट लिए थे। लूटे गए हथियारों में AK-47, इंसान राइफल्स, हैंडगन, मोटार, कार्बाइन, हैंड ग्रेनेड और बम शामिल है। पुलिस कंट्रोल रूम ने शनिवार को बताया कि राज्य में सिर्फ घाटी के पुलिस स्टेशन से नहीं बल्कि पहाड़ी जिलों से भी लूटे गए थे। सुरक्षा बल इन हथियारों को रिकवर करने के लिए लगातार पहाड़ी और घाटी इलाकों में तलाशी कर रहे हैं। अब तक पहाड़ी जिलों से 138 हथियार और 121 गोला बारूद बरामद हुए हैं, जबकि घाटी के जिलों में 1057 हथियार और 14201 गोला बारूद बरामद हुए हैं। हथियार लूटने की घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बल एक्शन में दिखे। 4 अगस्त को कोटुक हिल रेंज में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 7 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया। ये बंकर किस समुदाय के हैं इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। 5 अगस्त को पुलिस और भीड़ के बीच टोरांग, खोसकाबी, कांगवे और थोरबुंग में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह इलाका कुकी और मेतेई के बीच का बॉर्डर है, जो बफर जोन कहलाता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।